चलिए एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। तो डियर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में देखे थे, इसके जो हम लोग पिछली वीडियो को देखे थे उसमें हमने आपको क्या बताया था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करना, हम लोग फ्लोट पॉइंट नंबर को कैसे ऐड करते हैं हमने देख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को यहाँ पे अभी तक हम लोग पिछली वीडियो में जो देखे थे वहाँ 5 सब्जेक्ट का मार्क्स निकाले थे, और आज हम लोग क्या करेंगे 6 सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल के और उसके क्या करेंगे भाई, हाँ 6 सब्जेक्ट का मार्क्स निकालेंगे और उसका क्या करेंगे परसेंटेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं। कौन सा हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमको डिफाइन करना है राइट ए प्रोग्राम। क्या डिफाइन करना है, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज, टू फाइंड द परसेंटेज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट हुयर जहां 6 सब्जेक्ट हुयर 6 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट मार्क्स इज गिवन बाय मार्क्स इज गिवन बाय यूजर। ओके, चलिए तो यहाँ पे जब यूजर 5 या अभी तक सब्जेक्ट को दिया, अब यहाँ पे क्या करेगा 6 सब्जेक्ट को जब यूजर देगा तो 6 सब्जेक्ट आपके नंबर क्या होंगे टोटल हो जाएंगे, और टोटल नंबर का क्या मिल जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा, टोटल नंबर का क्या मिल जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और तुरंत क्या करेंगे फटाफट अपना हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच वाइडमैन करली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमको यहाँ पे डिफाइन करना है इंटीजर, क्या डिफाइन करना है भाई इंटीजर डिफाइन करना, हमने यहाँ पे इंटीजर को डिफाइन कर लिया। क्या डिफाइन करना है इंटीजर में, आपको पता भी होगा कि हमको कितने सब्जेक्ट चाहिए हमको इंटीजर में भाई, हेडर फाइल सबको पता ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे इंटीजर में हमको डिफाइन करना है S1 यानी सब्जेक्ट 1 कॉमा S2 सब्जेक्ट 2 कॉमा S3 सब्जेक्ट 3 कॉमा S4 सब्जेक्ट 4 कॉमा S5 कॉमा S6। अब क्या करना है सबका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज को भी डिफाइन कर लो। ओके, सबका हमने क्या निकालना है परसेंटेज निकालना, हमने परसेंटेज को भी डिफाइन कर लिया। ओके, परसेंटेज भी हमारा डिफाइन हो गया। अब क्या करेंगे CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करा दो, प्रिंट अप मैसेज, प्रिंट अप मैसेज दे दिया, इंटर 6 सब्जेक्ट मार्क्स, इंटर क्या करेंगे 6 सब्जेक्ट्स, इंटर 6 सब्जेक्ट्स स्कैन अप क्या देंगे, स्कैन अप में हम लोग क्या करेंगे भाई परसेंटेज, यहाँ पे हम लोग सिक्स टाइम परसेंटेज लगाएंगे, ओके। अब क्या करेंगे
एंड एस वन एंड एस टू एंड एस थ्री एस थ्री एंड एस फोर एंड एस फाइव एस सिक्स। चलिए ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है भाई, हमको परसेंटेज निकालना है, तो निकाल लो परसेंटेज, बहुत आसान है। एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर प्लस एस फाइव प्लस एस सिक्स। ओके, इतना हमने कर दिया। अब डिवाइड बाय किससे करेंगे भाई, अब किससे डिवाइड करेंगे ये भी देख लें। डिवाइड बाय सिक्स, क्योंकि हमारा क्या है, छः सब्जेक्ट है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, सिक्स कर देंगे। ओके, इतना सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट मैसेज दे देते हैं, क्या देंगे लास्ट मैसेज में, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा में क्या देना है, परसेंटेज ऑफ सिक्स सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स इक्वल टू परसेंटेज कामा, किसको प्रिंट कराना है, परसेंटेज को हमने प्रिंट करा दिया। ओके, गेट सी एच। चलिए ये हमारा बन गया, जब हम लोग सिक्स सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। और इसके पहले हमने क्या डिफाइन किया था, जब हम लोग फाइव सब्जेक्ट को डिफाइन किए थे, इस टाइप को मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, तो डियर ये हमारा कंप्लीट, आज का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आउटपुट इसमें क्या देंगे, सिक्स टाइम्स यहाँ पे हमसे क्या मांगेगा, नंबर मांगेंगे, हम कुछ भी दे दें, ठीक है। हमने ये नंबर ले लिया, ये नंबर हमारा सब टोटल हो जाएगा, टोटल होके हमको लास्ट में परसेंटेज मिल जाएगा जो भी आएगा। तो डियर आज के लिए इतना ही, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ।